नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही समय शेष बचा है और इसी चुनावी माहौल के बीच प्रदेश की चुनावी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ लोग मैदान से पीछे भी हट रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को चुनावी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आखिरी दिन है और इसके बाद प्रदेश की चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि बुधवार को भी नाम वापसी का दौर चला, जहां प्रदेश में 91 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी और कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां जयपुर की झोटवाड़ा सीट से राजपाल सिंह शेखावत और जोधपुर की सूरसागर सीट से रामेश्वर दारिज बड़ा नाम सामने आया है। आपको बता दें कि झोटवाड़ा सीट से राजपाल सिंह शेखावत बीजेपी का टिकट नहीं मिलने के बाद बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जहां बीजेपी ने सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट दिया है। वहीं इस सीट पर आसू सिंह सूरपरा ने भी निर्दलीय ताल ठोक रखी है। इसके साथ ही सूरसागर सीट से रामेश्वर दादिश ने नाम वापस लिया है, जहां कांग्रेस ने शहजाद खान को मौका दिया है। बता दें कि बीजेपी के बागी पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कॉल के बाद बैकफुट पर आ गए हैं और फिर नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। शेखावत ने कहा कि मेरा जीतना अहम नहीं, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी है गहलोत सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंकना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।